करणवीर भाई, कैसे हो आप? सर सबसे पहले तो सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। बहुत ही अच्छा हूँ मैं। शास्त्री, आपकी और मेरी कहानी लगभग सीमित, मतलब क्या बोलते हैं, सिमिलर है जी। तो मेरे को कभी कभी डर लगता है इस शो के बाद आप फेमस नहीं हो जाओ, मेरे को थोड़ा वो लगता है, अनइजी फील होता है कि आदमी मुझसे बड़ा ना हो जाए। भाई डर तो लगता है हर किसी को। अच्छा वो सब छोड़िए, आपका पनीर जो आप बेचते हो, पनीर टिक्का और जो है, उसमें और इंटरेस्टिंग आपने कुछ किया है क्या? नया मेन्यू कुछ ऐड किया हो, नए आउटलेट्स कुछ खोले हो, कोई ऐसा आपका ऑडियंस में से कोई आया हो कि हमने आपका शो देखा और आपके आज हम यहाँ खाने आ गए? व्यापार बढ़ा कि नहीं आपका, ये बताइए। सर डेफिनेटली यस, मैंने शो के बाद एक फ्लैगशिप आउटलेट भी खोला है अपना, क्योंकि डाइन इन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई मेरी विजिबिलिटी NDTV और फ्रीडम ऐप में आने के बाद कि मेरे यहाँ पर क्यूज आने लग गए। उन कस्टमर्स को संभालने के लिए मुझे एक दूसरा आउटलेट खोलना पड़ा जिसकी ओपनिंग मैं 2 हफ्ते पहले करके आया हूँ, 70-seater आउटलेट। तो क्लाउड किचन का बिजनेस तो अपना चल ही रहा है, साथ में डाइन इन का भी एक्सपेंशन फेस चालू हो गया। प्रफुल जी, 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था ये धंधा, मेरा विजन एक ही था, नौकरी छोड़ के बहुत अच्छे पैकेज पे काम करता था। विजन ये था कि एम्प्लॉय जिंदगी भर नहीं बनना है, एम्प्लॉयर बनना है। क्या बात। उस चीज़ का सफर का आगाज़ मैंने किया, 5-6 साल लगे रहे। हमें नहीं या मेरे परिवार को नहीं पता था या मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े बन जाएंगे, कि लोग, आप लोग जैसे एक छोटे से व्यापारी को, मेरा तो व्यापार करने का मन था, मेरा कुछ बड़ा करने का मन नहीं था, लेकिन बड़ा हो गया और बड़ा हुआ और आप लोगों ने रिकग्नाइज़ किया और इतना अप्रिशिएट किया और उसकी जो विजिबिलिटी अभी मिल रही है, तो मेरा फ्यूचर का विजन टोटली चेंज हो गया। क्या बात। पहले मैं चाह रहा था कि अपने आप को खुद बढ़ाऊं, अभी मेरी सोच ऐसे है, लोग मेरे रेस्टोरेंट में आते। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे जो मेन रेस्टोरेंट है उसके बाजू में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, वहां पर लोग अपने बच्चों को नॉर्थ इंडिया से, अलग अलग देश के जगहों से छोड़ने के लिए आते हैं, उनकी अकोमोडेशन देखने आते हैं, तो खाना खाने के लिए हमारे पास आते हैं। देर आर एटलीस्ट 5 to 7 फैमिलीज जो परिवार अपने बच्चों को लेके आए कि सरदार जी के यहाँ पर चलना है और स्पेशली मेरे से मिलना है, और अपने बच्चों को बोला सर पढ़ने तो आयो यहाँ पर, बच्चा सरदार जी को देख के रहना और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए कि बच्चों को कोई दिक्कत आएगी तो देखना। क्या बात। बाद में मेरे को अलग से एक पेरेंट ने कहा जो मेरे को दिल पे बात छू गई कि सरदार जी मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो मर्जी करे, MBA करे, IIT में करे, कोई किसी भी फील्ड में जाए, बट आपके तरह हो और आपकी तरह आत्मनिर्भर बन के। क्या बात। ये इससे बड़ी उपलब्धि मुझे नहीं लगता मेरे को और मिल सकती थी। ये सेल्फियों का दौर है सच में सरदार जी, ऐसी बात है। हम भी कई जगहों पर गए, बच्चों को पढ़ाए, तो पढ़ाने के दरमियान आपके संघर्ष को बताया कि कैसे आप एक छोटे से धनबाद से निकल के यहाँ आए और इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोला, तो आपकी कहानी सच में प्रेरणा देने लायक है और सच में बच्चों को बताने लायक। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आपको बताऊँ, शो के बाद हुआ क्या है, पहले बोलते थे कि जितनी चादर उतने पैर, अब ऐसा हो रहा है कि जितने पैर उतनी चादर। आप समझ रहे हो, कहानी पलट रहे हैं हम यहाँ पे। तो वो बोल रहे थे कि पहले मैं 50,000 का सोच रहा था, वो 5 लाख पे पहुंच गए, ये सोच रहे थे, इनका भी विजन बढ़ा कि 2 स्टेट में, तो 6 स्टेट्स में पहुंच गए, तो उल्टी गंगा बहरी भैया इस शो के बाद। जो बड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग और ये सबसे बड़ा पिन पॉइंट है, अगर नटशेल में अगर इस पूरे शो को मैं कहूँ तो बोले आपकी चक्षु खोल रहा है शो, आपकी आपका विजन बढ़ा रहा है। आप सिर्फ अपने जिले तहसील तक नहीं देख पा रहे, आप पूरा भारत देख रहे हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आप पहुँचते हो। उदय भाई और किरण भाई, आपका जो बिजनेस है बहुत ही हटके है, पहली बार इसके बारे में इस मंच पर ही सुना था, तो प्रोग्राम के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी भी आई होंगी कि हमें भी ऐसी भैंस चाहिए, महाराष्ट्र के बाहर हर स्टेट से आई होंगी, तो कहाँ कहाँ से आपको बिजनेस में करने का मौका मिल रहा है और कहाँ कहाँ आप अपना ज्ञान बांट रहे हो? पहले तो मैं सब फ्रीडम ऐप और NDTV का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो पूरे भारत के जो ऑलरेडी आइकॉन्स है उनके सामने हम सबको बैठने का मौका मिल रहा है और हमारे विचार उनको बताने का, और पूरे देश को विचार हमारा जो है, हम लोग जैसा बिजनेस करते हैं, जैसा व्यवसाय करते हैं, वो बताने का मौका, वो सब आपके सामने हमें मिल रहा है, उससे उसके लिए मैं पहला सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात, तो लास्ट टाइम जब हमारा एपिसोड हुआ था तब प्रफुल सर ने हमें एक सजेशन दिया था कि आप कुछ ऑनलाइन सेल पे कुछ सोचा है कि नहीं आपने, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग ने तभी कुछ, मैंने जवाब दिया कि हम लोग उसमें तो अभी तो कुछ सोचा नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं उसमें, लेकिन बाद में हम दोनों भाइयों ने घर पे जाके फिर से सोचा कि
कि सर ने कुछ तो बताया, मतलब इसके पीछे कुछ तो रहेगा, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो उसके ऊपर हम लोग ने सोचा। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन सेल में जब लाइव स्टॉक में जब सेल में जाते हैं तो उसका प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन रहना वो उतना पॉसिबल नहीं है उसमें, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो हम लोग ने वो सोचा कि अब हम लोग ऐप अपना खुद का बनाएंगे जो उस पर ऑनलाइन हम लोग बफेलो सेल करेंगे और वो क्वालिटी मेंटेन रख के जहाँ बफेलो जाना है वहाँ पे हम लोग खुद विजिट करके वो फॉर्म सेट करके देंगे। ये हम लोग का उसमें विजन एक नया रेडी हुआ, जो ये मन से हमें आइडिया मिला है फर्स्टली। उससे ज़्यादा और एक हमें एक मौका नया मिला कि जब हम लोग ये शो का कोई वीडियोस वगैरह आ गए थे, बाहर शो टेलीकास्ट हुआ था, उसके बाद बहुत सारे हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट के पहले कॉलेजेस हैं जो एग्रीकल्चर में शिक्षा देते हैं और डेयरी फार्मिंग है, उनके पास विंग है लेकिन उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, जो मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग देने वाले ऐसे कोई लोग नहीं थे। वो लोगों ने कॉलेज के जो ये मेन शिक्षक रहेंगे नहीं तो उनके कोई मैनेजमेंट टीम रहेगी, उन्होंने हमारे फार्म पे विजिट किया और फार्म पे विजिट करने के बाद उन्होंने हमें ऑफर दिया कि आप हमारा पूरा डेयरी फार्मिंग का जो सेक्शन है वो पूरा आप ही संभालना है पूरा कॉलेज का। तो ये एक हम लोग को बहुत ज़्यादा एक नया एक अवसर मिला, इसलिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।